डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगेन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी की सेकेंड यूनिट के नेक्स्ट लेक्चर एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रोवर्सीज इन टर्म्स ऑफ WTO के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, एक शॉर्ट स्टोरी, जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल स्टोरी है क्या। गैट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा। गैट 1994 में कई एग्रीमेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये एग्रीमेंट काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है। 1995 से पहले ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स और ट्रेड इन टेक्सटाइल को नियंत्रित करने के लिए कोई भी नियम और कानून नहीं बनाए गए थे। इसका मतलब क्या कि टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर को गैट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन 1995 में जब WTO के बनने के साथ ही एग्रीकल्चर टेक्सटाइल को WTO के अंदर लाया गया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ AOA? AOA क्या है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या है? इसके अंदर एग्रीकल्चर गुड्स के ट्रेड में आने वाली जो भी बैरियर्स हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाना या रिमूव करना, इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए AOA बनाया गया। और इसके अंदर तीन प्रोविजंस को लाया गया, इसको हम थ्री पिलर्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या क्या है? पहला है आपका मार्केट एक्सेस, दूसरा है आपका डोमेस्टिक सपोर्ट सब्सिडीज, तीसरा है आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, अब मार्केट एक्सेस क्या है? मार्केट एक्सेस के अंदर आपका आता है टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ ऑल नॉन टैरिफ इंपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस इनटू टैरिफ्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ऑल नॉन टैरिफ इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन इनटू टैरिफ्स इज नोन एज टैरिफिकेशन। मतलब इसके अंदर जब एक कंट्री WTO के अंदर AOA पर हस्ताक्षर कर लेती है, तब उस कंट्री को एग्रीकल्चर गुड्स पर लगाए गए सभी नॉन टैरिफ बैरियर्स को खत्म करना होता है। इसका मतलब क्या है? कंट्री को अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को टैरिफिकेशन कहते हैं, राइट? अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर अमेरिका और इंडिया है, ठीक है, अमेरिका इंडिया से एग्रीकल्चर गुड को इम्पोर्ट करता है और उसको रोकने के लिए 10 तरह के जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देता है। ठीक है, और जब अमेरिका AOA पर साइन कर लेता है, तब उसे इन नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर्स में चेंज करना होता है। इसके अंदर क्या करता है वो कि जो बैरियर्स लगाते हैं टैरिफ बैरियर्स, उसको एक सर्टिफाइड करना होता है या फिक्स करना होता है, जैसे कि 50% टैरिफ या 25% टैरिफ लगाना होता है। और आफ्टर बाइंडिंग द टैरिफ्स इट शुड बी ग्रेजुअली रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स। उसको धीरे धीरे करके ये भी श्योर करना होता है कि इन टैरिफ्स को हम धीरे धीरे करके और भी कम कर देंगे। ठीक है, देन डोमेस्टिक सपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है? एक कंट्री अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए किसानों को कई तरह से समर्थन देती है, और इन समर्थनों का जो सीधा असर होता है किसान की पैदावार पर और कृषि के उत्पाद के मूल्यों पर देखने को मिलता है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर देखने को मिलता है। जितना अधिक सपोर्ट गवर्नमेंट अपने फार्मर्स को देगी, उतना ही अधिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। इसमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज आती हैं। डायरेक्ट सब्सिडीज या डायरेक्ट सपोर्ट क्या होता है? सीड, डायरेक्ट मतलब सीड, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल का दाम कम कर देगी गवर्नमेंट, इसी को डायरेक्ट इफेक्ट हम प्रोडक्शन पर कहते हैं। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? प्रोडक्शन हाई होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। इस डायरेक्ट सपोर्ट के अंदर आने वाली जो भी सब्सिडीज होती हैं, उसको हम एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में रखते हैं, जो कि हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती हैं बाय WTO। मतलब WTO के कंट्रोल में इनको रखा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ क्या होती हैं? इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ वो होती हैं इसका इफेक्ट हमें प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर नहीं मिलता है देखने को, क्योंकि यहाँ पर किसानों को सब कुछ मार्केट प्राइस पर ही मिलता है। लेकिन इसके अंतर्गत जो सरकार होती है वो फार्मर्स को डायरेक्ट पैसे उनके बैंकों में देती है। आजकल हम एक टर्म सुन रहे होंगे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें गवर्नमेंट फार्मर्स को खाते में जो है पैसा भेज देती है। अब फार्मर्स जो है, फार्मर्स पे डिपेंड करता है कि वो पैसा किस तरह से यूज़ करते हैं। वो अपने खेती के कामों में यूज़ करते हैं, कृषि में ये फर्टिलाइज़र या बीज खरीदते हैं, या अपने लिए कोई गाड़ी खरीद लेते हैं। ये किसानों पर निर्भर करता है। और एक चीज़ गवर्नमेंट कर रही है इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में कि फार्मर्स को ट्रेनिंग देती है कि कैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। और इसको हम ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स के अंदर रखते हैं। ये इसमें WTO का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन WTO के द्वारा इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। बहुत ईजी है, ये वो सब्सिडीज़ होती हैं जो एक कंट्री अपने फार्मर्स को देती है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड्स। एग्रीकल्चर कंट्रोवर्सीज इन टर्म्स ऑफ WTO। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ द WTO इन 1985 एंड कंसिक्वेंटली बिकम्स ऑब्लिगेट्स अंडर द उरुग्वे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ओवर आफ्टर ओवर 7 years ऑफ नेगोशिएशंस, द उरुग्वे राउंड मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस वर कंक्लूडेड ऑन December 15, 1993 एंड वर फॉर्मली रेटिफाइड इन April 1994 एट मराकेश, मोरक्को। द WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट्स विच वर नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड। वॉट इज उरुग्वे राउंड? फॉलोइंग द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वर ब्रॉड अंडर द एग्रीमेंट इज मेड अप ऑफ ऑन 3 pillars: मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, डोमेस्टिक सपोर्ट। एक्सेप्ट LDC, लोअर डेवलप्ड कंट्रीज, ऑल द WTO मेंबर्स वर रिक्वायर्ड टू मेक कमिटमेंट्स इन ऑल दीज आर इन ऑर्डर टू लिबरलाइज एग्रीकल्चरल ट्रेड। डेवलपिंग कंट्रीज वर गिवन अ लिमिटेड एलिमेंट ऑफ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। फर्स्ट पिलर इज मार्केट एक्सेस। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू कन्वर्ट ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स इनटू सिंपल टैरिफ प्रोसेस इज नोन एज टैरिफिकेशन। ऑल टैरिफ्स टू बी बाउंड। डेवलप्ड कंट्रीज टू रिड्यूस इम्पोर्ट टैरिफ बाय ओवर 6 year पीरियड विद अ मिनिमम 15% टैरिफ रिडक्शन फॉर एनी ऑन प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस इम्पोर्ट टैरिफ बाय 24% ओवर अ 10 year पीरियड विद अ मिनिमम 10% टैरिफ रिडक्शन फॉर एनी वन प्रोडक्ट। सेकेंड पिलर एक्सपोर्ट सब्सिडीज। फॉर डेवलप्ड कंट्रीज द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू बी रिड्यूस बाई 36% एंड 24% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस पीरियड 1986-1990 ओवर अ सेम ईयर पीरियड। फॉर डेवलपिंग कंट्रीज द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज टू बी रिड्यूस्ड बाई 24% एंड 10% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस पीरियड 1986-1990 ओवर अ 10 ईयर पीरियड। थर्ड पिलर डोमेस्टिक सपोर्ट। All forms of domestic support are subject to rule. The WTO classifies domestic subsidies into 3 categories known as the amber box, blue and green boxes. Only the amber box is subject to reduction commitments as follows. Domestic support subsidies के अंदर direct support, indirect support आते हैं जो कि already मैंने अभी discuss किया हुआ है। Trade distorting, amber box subsidy. Amber box subsidy create trade distortions because they encourage excessive production. The minus is the minimal amount of amber box subsidies permitted by WTO enough, though they distort trade. Countries subsidied allowed, the minus amber box. Developed countries jo hoti hain, 5% of total value of agricultural production in 1986-88. 1986-88 ko inhone base year mana hua hai. Developing countries ne 10% of the total value of agricultural production in 1986-88. Inhone bhi 1986-88 ko base year mana hai. What is green box? According to WTO, green box subsidies should not distort trade or at most cause minimal distortion. These green box subsidies must be government funded, not by charging consumers high prices, and they must not involve price support. Usually these subsidies are not directed at specific products and are not targeting subsidies, and they meet include direct income supports for farmers who are distressed due to crop loss or market breakdown. Example: environmental and conservation programs, research funding,
inspection programs, domestic food aid, including food stamps and disaster relief, farmer training programs, pest, disease and control programs. WHO limit. What are the WHO limit? There is no limit on governments for giving this kind of subsidies to their farmers. What is amber box? The subsidy that distort the international trade by making products of a particular country cheaper as compared to same as similar product from another country is allotted under this box. They distort trade balance because they encourage excessive production, therefore given country's product becomes cheaper than others in the international market. Example, input subsidies such as subsidy on electricity, seeds, fertilizer, irrigation, etc. Market support price. Subsidies also fall under this box. WTO limit. For developed countries, 5% of agriculture production in 1986-88. For developing countries, 10% of agriculture production in 1986-88. 1986-1988, it is the base year. Blue box. There are basically amber box subsidies, but they failed to limit the production. Any support that would normally be in requires farmers to limit their production. This box is a hotly debated topic. Countries argue that blue box subsidies are crucial for ushering in agricultural reforms. Currently, only few countries like Norway, Ireland, Slovenia, etc. use that kind of subsidies. Example, subsidies that don't increase with production. For example, subsidies like linked with average or number of animals. WTO limits, same as green box, nothing. How India will be impacted by WTO trade? Due to India's outdated farming techniques, there are worries that Indian farmers will struggle to complete once trade barriers are removed. As a developing country needs to invest in modernized equipment. Last is a classical case in India. Farmers having to key high cost genetically engineered seed and chemicals from MNCs like Monsanto, which has been eyeing India's vast farming sector for its product. Now, thank you. Have a nice day.